बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज के ब्लॉग में भी ना मैं हर डेली ब्लॉग ब्लॉगिंग करता हूँ ना, इसलिए मैं हर दिन ना इंफॉर्मेशन आपको दिया करूँगा, न्यू से न्यू। मैंने कल आपको दूसरी दी है, आज मैं दूसरी दूँगा, परसों मैं दूसरी दूँगा, इस तरह। आप भी फुल ब्लॉग देखें, इंजॉय करें। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपसे गेस्ट हो गए तो फिर ठीक है। अभी मैंने ना क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, जो आपसे गेस्ट करने हैं, करवाने हैं। अभी चलते हैं बालकनी की तरफ, क्योंकि बालकनी में मैं हर दफ़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आम ब्लॉग बनाना है तो बाहर जाते हो ना, इसलिए अभी चलते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी सामने, अभी चलते हैं। और आज जो कुछ होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ब्लॉग फुल देखें, इंजॉय करें। अभी अब वहाँ पे बैठ के फिर आपसे मिलेंगे। इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ मैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ना अभी मैं बताता हूँ आपको। अभी वहाँ पे जाके उनको पता है विच इज नंबर वन फोन इन द वर्ल्ड? नहीं पता? अगर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दे यस, अगर नहीं पता तो नो लिख दे। ये मुश्किल है। मैं आपको ना 8 सेकंड का टाइम देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पेज पे मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं ना, जो आपसे गैस करवानी है। ये है विच इज़ नंबर वन फोन इन द वर्ल्ड, ये तो सबको पता है। मैं आपको 8 सेकंड का टाइम देता हूँ। 1 गाइस, आपके 8 सेकंड ना निकल चुके हैं, या अभी भी पास कर सकती हैं। फुल कह रहा हूँ मैं आप, वो है सैमसंग का। वो पहले नंबर दुनिया में आता है ये वाला अच्छा मोबाइल, वो है सैमसंग। क्योंकि जब आईफोन नहीं था तो पहले एंड्रॉयड ही इस्तेमाल होता था ना, जिस तरह सैमसंग वगैरह सारे, हुआवे, ओप्पो, ऑल। तो जब आईफोन आया तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शेयर 2021 का था ये क्वेश्चन, 2021 का, या अब 2022 है ना। चलो अब आपको मैं तीसरी इंफॉर्मेशन देता हूँ। तीसरी इंफॉर्मेशन गाइस ये है वर्ल्ड रिकॉर्ड फायरवर्क्स। क्या आपको पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड फायरवर्क्स? ये मुश्किल है। मैं आपको चले टाइम देता हूँ अभी 8 सेकंड का। चले आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, ये क्योंकि मुश्किल है थोड़ा सा, ये कहीं बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, 10 सेकंड गुजर गए हैं गाइस। वो है, वो यूएई में है जिसने ना वर्ल्ड रिकॉर्ड फायरवर्क्स, क्योंकि उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से ये भी मिली थी। वो है वो यूएई के शहर, वो यूएई मुल्क है और उसके शहर में वो, उसका नाम है रासल हेमा में ना जिस वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। ये वो ना वाला कितने फायरवर्क्स थे ये मैं लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे की तरफ से। ये देख सकते हैं इतने फायरवर्क्स थे, रासल हेमा वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा था। ये था इतने फायरवर्क से रिकॉर्ड तब भी टूट सकता है, इतना तो नहीं टूट सकता। ये हमारी अभी दूसरी इंफॉर्मेशन ख़त्म है। ये आपको ना मैं डेली ना 5 इंफॉर्मेशन दिया करूँगा, 5 इंफॉर्मेशन, क्योंकि ब्लॉग थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो ये नॉलेजेबल क्वेश्चन आंसर है ना, आपको भी, आपके लिए भी, लिए भी और मेरे लिए भी। ये अब आपसे मैं चौथा क्वेश्चन पूछता हूँ। चौथा, क्या आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन और उसने कितने रन बनाए हैं और किसके खिलाफ बनाए हैं? ये क्या पता हो किसी को या नहीं पता, मैं गैस ही करवा सकता हूँ आपसे।
चले मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, या वीडियो स्टॉप कर सकते हैं या वीडियो अगर आपको नहीं पता तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दें नहीं नो। 8 सेकंड का टाइम है, पहले 10 सेकंड का, अब 8 सेकंड का। गाइस आपका टाइम निकल चुका है, वो है फर्स्ट नंबर पे ना वर्ल्ड बेस्ट बैट्समैन, वो है बाबर आजम पाकिस्तान का, और दूसरे नंबर पे आता है विराट कोहली, ये तो सबको पता है बाबर आजम और विराट कोहली का। रोहित शर्मा इंडियन के ना दो प्लेयर हैं, वो तो दूसरा पहले ना टॉप पे विराट कोहली आता था, दूसरे नंबर पे आता था रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पे बाबर आजम आता है। बाबर आजम अब फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, देख सकते हैं जाके गूगल पे। अब ना बाबर आजम ने वाला कितने रन बनाए हैं, बाबर आजम ने रन बनाए हैं 911 रन्स, 911 रन वाला किसके खिलाफ बनाए हैं, इंग्लैंड के, जब पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हुआ था ना टेस्ट मैच, तब बाबर आजम ने बनाए थे 911 रन्स। जब विराट कोहली ने वाला कितने रन बनाए हैं 873, क्योंकि अभी बाबर आजम ने ना विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया ना, इसलिए बाबर आजम क्या है 911 रन इंग्लैंड के खिलाफ, दूसरे विराट कोहली के 873 रन वो भी इंग्लैंड के खिलाफ हैं। तीसरे नंबर पर है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा ने बनाया 885 रन वो भी श्रीलंका के खिलाफ। ये हमारी फोर्थ इंफॉर्मेशन थी, अब आपको मैं बताता हूँ 5 इंफॉर्मेशन। क्या आपको पता है 5वीं इंफॉर्मेशन मैं अभी आपको बताने लगा। क्या आपको पता है वर्ल्ड बेस्ट नेशनल एंथम, ये तो किसी को पता होगा, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा 10 सेकंड का, 10 सेकंड का। गाइज आपका टाइम निकल चुका है, मैं बताने लगूँ, वीडियो स्टॉप भी कर सकते हैं, गैस भी कर सकते हैं। वो है पोलैंड, POLAND, उसका वर्ल्ड बेस्ट नेशनल एंथम में आता है। तो दूसरे नंबर पे रशिया क्या आता है, रशिया, ये सिर्फ पहले दो ही उन्होंने बताए थे। पहले नंबर पे नेशनल एंथम आता है पोलैंड का, पोलैंड, दूसरे नंबर पे आता है रशिया। ये थी मेरी 5वीं इंफॉर्मेशन, ये मैंने इधर सारे क्वेश्चन लिखे थे और आपसे गैस करवाने के लिए। अगर आपसे गैस हो गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर यही थी हमारी आज की इंफॉर्मेशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, फैमिली मेंबर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं अब आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी नई बातें लेके आया करूँगा आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।